2021 में आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हो? RTO जाकर, अपने नज़दीकी मोटर ट्रेनिंग स्कूल जाकर, या फिर आप किसी एजेंट को पकड़ते हो? 2021 में ये सिस्टम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, क्योंकि आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस को आसानी से क्रिएट कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना लर्नर लाइसेंस क्रिएट किए आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते हो। तो लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? सबसे पहली बात, आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होनी चाहिए, तभी ये सिस्टम काम करेगा। आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक किया हुआ है तो आप EKYC के थ्रू से नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि लर्नर लाइसेंस क्रिएट कर सकते हो। और ये सुविधा किन किन स्टेट्स में अभी तक अवेलेबल है, ये जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जेवियर है और आप देख रहे हो मेरा चैनल ज़ाग वाइट। तो इसके लिए आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में आसानी से इसे कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपने PC का उपयोग करूँगा, तो चलिए मैं आपको PC स्क्रीन में ले चलता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप स्मार्टफोन, लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र का उपयोग कर रहा हूँ। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको चले जाना है parivahan.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसके लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो parivahan.gov.in का वेबसाइट आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ड्राइवर, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल, ऑनलाइन टेस्ट अपॉइंटमेंट और अदर सर्विसेज। आपको फ्रेश लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको जाना पड़ेगा इस ऑप्शन में, ड्राइवर या लर्नर लाइसेंस मोर पे, या यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे sarthi.parivahan.gov.in के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार दिखा रहा है। यहाँ पे आप सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन है ऊपर की ओर राइट साइड में, लॉगिन के जस्ट नीचे में। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट स्टेट नेम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। और आपको ये जानना है कि आपके स्टेट में ये आधार बेस्ड EKYC बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर लाइसेंस अभी तक शुरू हुआ है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे? तो मान लीजिए अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आपको चूज कर लेना है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन ये वाला जो छठा स्टेप्स है LL स्लॉट बुकिंग, अगर इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देता है तो अभी ये आधार बेस्ड लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन आपके स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैंने ट्राई किया था दूसरे स्टेट्स के, जैसे कि बिहार। अगर आप बिहार पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप झारखंड सेलेक्ट करते हो तो इस तरह आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस तरह का ऑप्शन मध्य प्रदेश के लिए ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑथेंटिकेशन विथ EKYC, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अभी मध्य प्रदेश के लिए ही हो पाया है। और अदर स्टेट्स में भी इसको अप्लाई किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुआ है। अगर कोई ऑफिशियल डेट में अनाउंसमेंट होता है तो मैं सबसे पहले इस पर वीडियो बना के आपको जरूर शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन विथ EKYC, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, आधार, एप्लीकेंट होल्ड्स आधार नंबर, मतलब कि अगर एप्लीकेंट के पास आधार नंबर है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, और एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। और मुझे उम्मीद है कि दूसरे स्टेट्स में भी ये ऑप्शन बहुत ही जल्द आ जाएगा। मान लीजिए आपके स्टेट में ये
ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, तो आपको चूज करना है एप्लीकेंट होल्ड आधार नंबर, ये ऑप्शन चूज करने के बाद उसे करना है सबमिट, और यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको देना है अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी, यहाँ पे आपको आधार नंबर या वर्चुअल आईडी देना है, और आपका आधार नंबर आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो ये फैसिलिटी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आपको यहाँ पे देना है अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी, यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी को यहाँ इंटर करना है, उसके बाद सारे ऑप्शंस को आपको टिक मार्क कर देने हैं, उसके बाद यहाँ पे कर देना है ऑथेंटिकेट। और यहाँ पे फिलहाल मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। अगर ये ऑप्शंस दूसरे स्टेट में भी अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं बहुत जल्द इस टॉपिक पर वीडियो आपको दे दूंगा, और इस तरह आप जान जाओगे कि आपके स्टेट में ये आधार बेस्ड लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। अभी तक सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में ई केवाईसी के थ्रू लर्नर लाइसेंस बनाने की सुविधा उपलब्ध है, बाकी के राज्यों में ये फैसिलिटी कब तक अवेलेबल होगी कोई इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद इस तरीके से लर्नर लाइसेंस बनाओगे तो आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका कंप्लीट एड्रेस बाय स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके कंप्लीट एड्रेस में पहुंच जाएगा। यहाँ से मैं झारखंड में भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन अवेलेबल अभी नहीं आया है, मतलब अभी मध्य प्रदेश को छोड़कर किसी भी स्टेट के लिए अभी आधार बेस्ड लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर ये बहुत ही जल्द ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए या समझने में कुछ असुविधा हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने के लिए। और इससे पहले मैंने आपके ड्राइविंग लाइसेंस को मोबाइल नंबर से कैसे लिंक किया जाता है उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आई बटन या मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल पाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप बिल्कुल ना मिस कर पाओ, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद।